सदन में गूंजा नीट परीक्षा लीक का मामला, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद के दोनों सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई है। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सदन में गूंजा नीट परीक्षा लीक का मामला, जैसे कि पहले कयास लगाए जा रहे थे, संसद के दोनों सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और उसके बाद आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। मगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए, तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक लाइन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99, अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। शाओं के चुनकर भेजा है, सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। किरण रिजिजू जी, आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है, मैं उसको कंडेम। अपराजिता, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। अपराजिता, देखिए जैसे कि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि कार्यवाही जो होगी उसमें हंगामा देखने को मिल सकता है, अब विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा देखने को मिला है, नीट परीक्षा को लेकर लोग हंगामा करते नजर आए हैं, जिसको लेकर कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल जवेश्का, देखिए लोकसभा और राज्यसभा सत्र में आज राष्ट्रपति के द्वारा यानी कल राष्ट्रपति के द्वारा जो साथ में संबोधित किया गया था उन पर आज चर्चा होनी थी। वहीं आज देखा गया कि इतना ज्यादा हंगामा हुआ, चाहे वो लोकसभा की बात करते हैं या राज्यसभा की बात करते हैं, नीट एग्जाम को लेकर काफी हंगामा हुआ जिसकी वजह से 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था दोनों सदनों को। बता दें कि इस अभिभाषण की शुरुआत लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से हमीरपुर से बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर प्रस्ताव रखने वाले थे, वहीं बांसुरी स्वराज जो दिल्ली से चुनकर सांसद बनी है वो धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने वाली थी, वहीं राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी सांसद शुरुआत करने वाले थे, लेकिन विपक्ष के द्वारा इतना ज्यादा नाराबाजी किया गया कि जिसकी वजह से 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। वहीं 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तब लोकसभा में फिर से वापस से नीट परीक्षा को लेकर के हंगामा शुरू हो गया, जिसकी वजह से सोमवार तक के लिए यानी 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सोमवार 11 बजे से वापस से लोकसभा शुरू हो जाएगी। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की कार्रवाई हालांकि अभी चल रही है, नाराबाजी लगातार बिल्कुल हंगामेदार रहने के आसार पहले से ही देखे जा रहे थे। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।